मैं अंजलि जैन और आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज। फिरोजाबाद के शुकाबाद में एक 18 वर्षीय युवक का अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपए की युवक के परिवार वालों से फोन पर फिरौती मांगी है। वहीं पुलिस युवक की तलाश के लिए प्रयास कर रही है। फिरोजाबाद के सुहाग नगरी में कल रात एक 18 वर्षीय युवक का अपहरण हो गया। अपहरण ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। इतना ही नहीं, अपहरण के थोड़ी ही देर बाद युवक के पिता पर 30 लाख की फिरौती के लिए फोन भी आ गया। बच्चा कपड़े डालने गया था, उसके बाद नहीं आया सर। उसके बाद हमारे पास फोन आया, 30 लाख रुपए लेके आया। कहाँ पर सूचना दी? पुलिस को सूचना दी हमने। अच्छा, पुलिस ने क्या किया? पूरी कार्रवाई सुबह से लग गई है और रात लग गई 11 बजे सर। वो हमारे पास से गई है जहाँ से 3 बजे उठ गया। वहीं इस घटना से परिवार वालों में दहशत का माहौल है। वहीं 30 लाख न देने पर बदमाशों ने युवक को मारने की धमकी भी दी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने उस नंबर को ट्रैश कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कल से जो है करीब 7:30 बजे से यहाँ पर सुखवाबाद में शंकरपुरी मोहल्ले में, तो उसके घर वालों का कहना यह है कि वो 7:30 बजे के आसपास धोबी को कपड़े देने गया, उसके बाद फिर वो लौट के नहीं आया। और इसमें पुलिस जांच में मुकदमा पंजीकृत हो गया है और पुलिस जांच में कल से ही जुटी हुई है। रात में भी हम लोगों ने मैनुअली और सर्विलांस से दोनों तरह से काफ़ी कोशिश की है और उम्मीद है बहुत जल्दी ये बालक बरामद। बताया जा रहा है फोन से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। पूरे तथ्यों की पुलिस जाँच कर रही है, अभी जो भी होगा पूरे तथ्यों की जाँच कर रही है और इसमें बहुत शीघ्र बरामदगी होगी। फिरोजाबाद में फिर एक बार इस घटना से बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि योगी राज में बदमाशों ने युवक का अपहरण कर एक बार फिर सरकार को खुली चुनौती दे डाली है। फिरोजाबाद से निकुंज यादव की रिपोर्ट।